हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आज तो मैं अपनी तरफ से ब्लॉगिंग करूंगा। क्या करना? अभी तो अभी सुबह का बज रहा है 7, तो अभी जग गए हैं और फेस वगैरह ब्रश वगैरह कर लिए हैं और आगे देखिए थोड़ा नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर देखिए क्या करते हैं। अभी तो मैं फर्स्ट काम है आज, तो क्या करूंगा, पहले तो चारों तरफ क्वार्टर की तरफ घास लगी हुई है, तो इसको मैं एक दवा लाया हूँ तो उसके छिड़क दूंगा ताकि वो घास मर जाए। बहुत जानवर सब आते रहते, बहुत तो वो सांप वगैरह आते रहता है ना, तो ये है वो दवा जो घास पे छिड़कते हैं, घास जल जाती है क्योंकि बहुत जानवर सब आते रहता है, चारों तरफ पूरा फैला हुआ है, मतलब जंगल ही है समझिए। तो अब दिखाएंगे भी आपको, तो थोड़ा छिड़क देते हैं ताकि वो ख़त्म हो जाए घास वगैरह, उसी में जानवर से बहुत छोटे छोटे कीड़े रहते हैं और सांप वगैरह आते रहते हैं। नाश्ता भी बन रहा है। क्या बन रहा है नाश्ता में? चना फ्राई नाश्ता में बन रहा है, तो अभी नाश्ता कर लेते हैं फिर उधर क्या बोलते हैं दवा वगैरह छिड़क देंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा सब कीड़ा सब आते रहता है, सांप वगैरह आते रहता है, जंगल है ना चारों तरफ पूरा, जैसे बारिश होती है ना तो वो पूरा फैल जाता है, वो लत्ती जो होती है ना, जैसे ही बारिश देखा पानी थोड़ा आया तो चारों तरफ फैल जाती है, फैला हुआ है, इसलिए थोड़ा दवा छिट देंगे ना थोड़ा साफ हो जाएगा। तो अभी नाश्ता बन ही रहा है, नाश्ता कर लेते हैं फिर छिटते हैं। चना फ्राई बन रहा है ना, वो देख लीजिए चना फ्राई बन रहा है, चना फ्राई नाश्ता। चाय भी बनाए क्या? चलिए तो आ जाइए नाश्ता करने के लिए, बैठ गए हैं हम और चांदनी, ये नाश्ता रेडी है, नाश्ता कर लेते हैं फिर बात करते हैं आपसे। ये देखिए दोस्तों नाश्ता में क्या क्या सब है, चना फ्राई है, फिर चाय है, केला है, बिस्किट है, बहुत हैवी नाश्ता हो जाएगा, फिर खाना खाएंगे हम लोग बाद में थोड़ा लेट से। आइए दोस्तों कर लीजिए नाश्ता, तैयार है चना फ्राई बिस्किट चाय, हो ठीक है। देखिए ये पानी डाल रहे बोतल में, आधा लीटर का बोतल है, कितना का है? आधा लीटर का है, फिर इसमें ये दवा डाल देंगे। और ये देखिए बोतल में दवाई डाल दिए, रहने दीजिए ना, ऐसे भी ये 15 लीटर पानी में 3 ढक्कन रखना है, और ये देखिए आधी लीटर पानी में 1.5 ढक्कन रख रहे हैं, जल्दी जल जाएगा, ये कौन सी कानून है? जल्दी जल जाएगा भाई। और ये देखिए सब जुगाड़ रखे हुए हैं, ये देखिए एक दिन छीटे हुए थे तो इतना जला हुआ है और छीट रहे हैं, ये देख सकते हैं। ये देखिए कितना जंगल हो रहा है, आप लोग खुद ही देख लीजिए, और ये दवाई छीटे थे ना इसलिए ये घास ऐसे हो गया है, नहीं उधर क्या थी कीड़ा है। ये देखिए दोस्तों ये क्या, बाप रे क्या जंगल का खजाना है, ये सब देखना पूरा उग जाता है। दीवार पे चढ़ के छिड़क दीजिए ना, दीवार पर चढ़ के सही रहेगा, नीचे में ये कीड़ा मकोड़ा है। ये देखिए कैसे दवाई छिट रहे हैं दीवार पे, साइड साइड में कचरा भरा हुआ है ना, वो देखिए ऐसा पत्ता पेड़ वो जो सूखा है ना उस दिन दवाई छिटे हुए थे, और साइड साइड में बहुत सारा है, इधर से भी बहुत सारा है, ये देखिए दीवार के पार से, इसमें भी ये घास साफ कर दिए थे फिर भी ये थोड़ा थोड़ा हो रहा है, इस पर भी सही रहेगा सूख जाए, हो गया। फूल मेरा बहुत अच्छा हो रहा है, पर ये थोड़ा थोड़ा जला हुआ है ना, ये थोड़ा थोड़ा तो सूख गया है ये सब, भिंडी के छोड़ के अति करिएगा। भिंडी पे ना मारिएगा, ये
पानी तो यहाँ पे है, ये है, ये रहा ना पानी। हाँ दवाई ले आते हैं। वो दीवार पर के लती पे वो सब भी हटा दीजिएगा ना, वो सब यहाँ पर छीट दे। ये वाला सही, ये वाला पहले छीट दे यहाँ का। ये यहाँ पे जंगल हो रहा है, आते जाते रहते हैं। कितना बड़ा जंगल है यहाँ पे, डर भी लगता है। बाप रे, ये देखिए ये खिड़की भी हम नहीं खोलते। देखिए इतना जंगल हो रहा है, ये सब कितना बड़ा सांप आ गया था ना। कुछ ले आए ना, उसको हटा देते हो खेती वापस ले आते हैं। रखे कितना रखे थे पहले? धूप कितना तेज है ना। बीच में ना जाइएगा, उधर एक साइड में से छीट दीजिए ना। ये दूबी है, जल्दी साफ भी ना होता है, उखड़बे ना करते रहता है। छोड़ दीजिए उधर का, इधर कहीं बस हो गया। वो वाला हटाना था, डंडा लेकर आते हैं। चलिए फ्रेंड, तो फिर से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ था ना, तो सुबह वो दवा वगैरह छिड़क दिए थे, उसके बाद फिर खाना बना है, खा लिए हैं और सो गए हैं। नाइट ड्यूटी करनी थी तो इसलिए सो गए हैं। सोना ज़रूरी था, अगर अभी नहीं सोएंगे तो फिर राइट नाइट में नींद आएगी, इसलिए सो गए थे। अभी सो के अभी बच रहा है, कितना चार बज रहा है, अभी चार बजा है तो अभी उठे हैं। तो अभी सोचे कि थोड़ा ब्लॉग बना लेते हैं, इसलिए तो अभी उठे हैं। अभी देखिए ये चांदनी क्या कर रही है, ये कपड़े वगैरह सब है ना, सही कर रही है। तो कपड़े सब फैला रही है, बेड के कपड़े वगैरह है तो ये फिर समेट रहे हैं, इधर उधर बिखरा हुआ है। घर से आए तो भी ऐसे ही पड़ा था, और क्या कहते हैं, फिर ऑनलाइन सारा शॉपिंग किए हैं, वो सब भी पड़ा था। हाँ तो ये सेट कर रही है इसको। ट्रेन अब चलते हैं थोड़ा सा स्टेशन पे घूमने के लिए। गए स्टेशन पे, शाम का टाइम है तो थोड़ा घूम लेते हैं। इधर बहुत अच्छा नज़ारा है शाम का, देखिए ट्रेनें चल रही हैं, शाम का तो बहुत अच्छा नज़ारा है इधर का। ये स्टेशन है हम लोग का, जहाँ पे ड्यूटी करते हैं। अभी तो फिलहाल हम गेट पे ड्यूटी करते हैं। ये स्टेशन है, तो ये स्टेशन है। ये लोग बैठे हुए थे, स्टाफ ही हैं सब, तो शाम को ऐसा ही बैठने के लिए आते हैं यहाँ पे। अच्छा लगता है बैठने में सब, और ये है बहुत अच्छा नज़ारा रहता है शाम में देखने के लिए। सुबह में बैठे रहते हैं सब, स्टाफ ही है तो किसी का रेस्ट है तो किसी का नाइट है, तो सब आके बैठे रहते हैं यहीं पे। सब आदमी ऐसे ही आपस में बातें करते रहते हैं कुछ। और ये बहुत अच्छा नज़ारा, ये ट्रेन खड़ी है, लाइन नंबर 3 में खड़ी है। और स्टेशन का अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अभी ऐसे ही है। चलिए चलिए फ्रेंड, तो रखते हैं ब्लॉग को, यहीं पे एंड करते हैं। अब हो गया है शाम को 7 बज गया है, अब ड्यूटी जाने का टाइम हो गया है। तो अभी टिफिन वगैरह पैक करेंगे फिर जाएंगे ड्यूटी। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके यहाँ जल्दी से जल्दी पहुँच जाए।